वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एमपी सेट के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस यूनिट में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे अकाउंट से ही पूछे गए हैं, और इससे पहले वाले सेशन में हमने एमपीपीएससी के अकाउंटिंग के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। So, वहां पर अराउंड 34 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, और आज के सेशन में हमारे पास 26 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल जो हमारे इन सेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया एमपीपीएससी से हमारे पास क्वेश्चन थे 34, और अगर मैं बात करूं एमपी सेट की तो यहां से क्वेश्चन है 26। तो टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम 34 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, इस सेशन में हम अपकमिंग 26 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एमपीपीएससी एंड एमपी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए दोनों का सिलेबस सेम होता है, इसीलिए हम इसके पीवाईक्यूज को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का पार्ट टू है, जिसमें हम आगे के अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऐसे ही हमने और भी यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे कि फाइनेंस, इनकम टैक्स, बीएमएचआरएम, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और भी लेक्चर्स हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए फायदेमंद हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट हमारे ऐप पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। चाहे आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटेट कॉमर्स या एमपीटेट इकोनॉमिक्स की तैयारी हो रही है, या फिर एमपीसेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। यूजीसी नेट की तैयारी भी हमारे ऐप पर होती है, यूपीपीसीएल, यूकेपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, कॉमर्स के पोर्शन की तैयारी हम सभी आपको करवाते हैं हमारे ऐप पर। अगर आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिस पर अनलिमिटेड व्यूज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन्हें लिमिटेड टाइम तक ही देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप इन्हें देख सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको क्वालिफाइड एजुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। अब कंसेप्ट सीखने के बाद उनका प्रैक्टिस सेशन जरूरी है, जिसमें आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, तो उसकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स देते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके इजिली प्रिंट करवा सकते हैं। और इन नोट्स का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप इन्हें हिंदी में भी प्रिंट, मतलब हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिखेंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो पाती है। तो इन सभी के साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिनसे जिसके थ्रू आप इन सभी कोर्सेज में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसका फायदा ले सकते हैं। तो अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल हो जाइए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, देखो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने इकोनॉमिक्स में आपको करवा दिया है, वहां पर भी शायद सबसे पहला क्वेश्चन यही था, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो ये हम कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको याद होगा हमने वहां पे एग्जांपल लिया था कि आप क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कहीं घूमने भी जाना था, बट आपने चूज किया कि हम क्लास में बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो जो चीज आपने छोड़ दी वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना? तो ये तो हम कर चुके हैं, इसका आंसर भी हमें पता था, दैट इज कॉस्ट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सीमांत लागत लेखांक और अवशोषण लेखांक के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से क्या क्या शो करते हैं, ठीक है? सो इसमें जैसे फिक्स्ड ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, डायरेक्ट कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है। देखो
जब हम बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की, प्राइम कॉस्ट में आपके डायरेक्ट चीजें आती है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आता है। मार्जिनल कॉस्ट में आपका प्राइम कॉस्ट आता है, यानी कि डायरेक्ट चीजें आएंगी, साथ ही साथ आपका वेरिएबल ओवरहेड्स आएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आपके मार्जिनल कॉस्ट भी आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है वो किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? वेरिएबल ओवरहेड्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मार्जिनल की, तो मार्जिनल में आपका वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन में आपका वेरिएबल प्लस फिक्स्ड भी इंक्लूड होता है। तो दोनों के बीच अगर डिफरेंस है तो किस चीज का है? वेरिएबल का, है ना? कि भाई मार्जिनल में तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आता, और एब्जॉर्प्शन में आपका वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर असाइंड टू द प्रोडक्ट्स, बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड टू प्रोडक्ट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज पीरियोडिक कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप जो इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आप इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं वो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर करते हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो किस चीज का आता है? वेरिएबल ओवरहेड्स का। ठीक है, कि मार्जिनल में वेरिएबल ओवरहेड्स है सिर्फ ओनली, और आपके एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल के साथ साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 3, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सीक्वेंस ऑफ। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसकी फाइनेंशियल अकाउंट्स को किस सीक्वेंस में लगाएंगे? देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे पहले वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी, देन वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, फिर वो आपका P&L अकाउंट बनाएगी, और लास्ट में आपका बैलेंस शीट बनाएगी, है ना? P&L अकाउंट के बाद P&L अप्रोप्रिएशन भी आएगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग, देन P&L, देन P&L अप्रोप्रिएशन, एंड देन आपका बैलेंस शीट। ठीक है, आप सभी ने क्लास 11th में ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उसमें यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता था। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर में सबसे पहला जो आना चाहिए वो आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और लास्ट में आना चाहिए बैलेंस शीट। तो कौन से ऑप्शन में 2 शुरू में और लास्ट में 1 है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हिंदी में है सेम क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4, अ कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स। अब देखो, कंपनी क्या करती है? खुद के ही शेयर्स को परचेज करती है। क्यों? जिससे कि जो उनकी ओनरशिप है वो ज्यादा डाइल्यूट ना हो, है ना? तो कंपनी अपने शेयर्स जो बायबैक करती है वो फुल्ली पेड शेयर्स बायबैक करती है। ठीक है, ना ही पार्टली पेड शेयर्स, ना ही पार्टली कॉल्ड। कौन से शेयर्स बायबैक करती है? दैट इज फुल्ली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट है, जिंदल लिमिटेड हैज अर्न 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स 50 लाख, हैज अ नेट प्रॉफिट रेशियो 5%। बताओ सेल्स कितनी होगी? तो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट रेशियो है 5%, नेट प्रॉफिट कितना है? 50 लाख का 8%, यानी कि 4 लाख, और नेट सेल्स हमें निकालनी है इनटू 100। वही नेट सेल्स यहां और 4 लाख यहां अपॉन 5 इनटू 100, 5 2 20, 4 2 8, और ये आ गए 1 2 3 4 5 6 0, यानी कि 80 लाख। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन MPPSC में था, वहां पे भी आपको नेट प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन पूछा था। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो आप वन टाइम करते हो, जैसे कि आपने कार परचेज कर ली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो आप बार बार करते हो, जैसे उस कार में फ्यूल डलवाना, है ना? तो ये जो खर्चा होता है ना, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है।
और आपका रेवेन्यू खर्चा भी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। बट द फर्क इज द डिफरेंस इज कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। आपने इतनी बड़ी कार खरीद ली, ठीक है खरीद ली, उसका खर्चा जो निकलेगा वो उसका खर्चा आपने कैपिटल में कर दिया तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। बट जब आप रेवेन्यू खर्चे की बात करते हैं तो ये बार बार क्योंकि होता है, अकरेंस नेचर का होता है, बार बार होता है, तो ये डायरेक्टली आपकी रेवेन्यू को या फिर मैं कहूँ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इफेक्ट, ये गलत होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली, नो, इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब वेरिएंस ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर इडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस तीनों ही आते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताता है कि किसी लेबर को आपने टास्क को कितने टाइम में करना है, स्टैंडर्ड टाइम, और उसका एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया है। इनके बीच के वेरिएंस को हम जब स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें बहुत सारे वेरिएंसेस आते हैं, जैसे कि आपका लेबर मिक्स वेरिएंस हो गया, सब एफिशिएंसी हो गया, इडल टाइम हो गया, कितना खाली टाइम उसने बर्बाद किया, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर, लेबर रेट वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, लेबर एफिशिएंसी इस तरह से शो की जाती है, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस एंड इडल टाइम वेरिएंस। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे वेरिएंसेस होते हैं जो कि हम लेबर के अंदर शो करते हैं। जैसे मटेरियल वेरिएंसेस होते हैं ऐसे हमारे लेबर वेरिएंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी है, प्लीज इसको जरूर स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वेयर द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जहां पर आपको तीन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एसेट, ठीक है, तीनों ही चीजें इसके अंदर आती है। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर आपका कॉस्ट सेंटर भी आता है, प्रॉफिट सेंटर भी आता है और आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर भी आता है। इसे आप कह सकते हैं सीपीआई, सीपीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बेस बजटिंग, ये हमने आई गेस इससे बैलेंस में भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। जीरो बेस बजटिंग क्या है? जीरो बेस बजटिंग आपका एक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर है। आप बजट बनाते हो क्यों? इसीलिए ताकि आपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सके। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आता है आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब आप क्या करते हैं अपने कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं तो आप उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। फिर है बेसिक एंड डाइल्यूटेड, बेसिक एंड डाइल्यूटेड में क्या आएगा आपका? ये आएगा अर्निंग पर शेयर, ओके। तो इस तरीके से होगा कि वन का सी, टू का डी, थ्री का ए, फोर्थ का बी। तो सी डी ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हिंदी में भी है इसका, आप लोग देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट, भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है आपका? नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में आपका टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका, एक सेकेंड, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड रुकेगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब आपका टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट के, जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है उतना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है आपका ये वाला, जहां पे टोटल रेवेन्यू एक्सेस होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है आपका टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ए का थ्री, बी का, सॉरी ए का टू, बी का
थ्री, सी का वन. तो ए का टू, बी का थ्री, सी का वन. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हाँ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी 1.5 लाख. कंपनी के एसेट्स दे रखे हैं 1.5 लाख. कंपनी की इक्विटी दे रखी है 70,000, यानी कि कैपिटल. बताओ लायबिलिटी कितनी होगी. ये बचपन में करते थे वैसे क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन के, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना. तो एसेट है भाई 1.5 लाख, कैपिटल निकालनी है, लायबिलिटी है 70,000. तो सिंपल है, इसको यहां से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 80,000 आपकी कैपिटल आ जाएगी. इजी पीजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन 12, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ. जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स पे, ये आपका क्या है. देखो बच्चों, ये आपका डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. आपने शेयर्स इशू करे, उस पर डिस्काउंट दिया. आज आपने डिस्काउंट दिया है जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म तक होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका फायदा आपको कुछ ही सालों के लिए होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बहुत ही कम टाइम के लिए होता है. और जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए आपको फायदा देता है, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऑप्शन नंबर सी. आओ पढ़ो. डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनी ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल लॉस इन द नेचर ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वैसे ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आड़ में कैपिटल लॉस है. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नजर से भी देखा जा सकता है, लेकिन आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो बेनिफिट है वो फुल्ली उस अकाउंटिंग ईयर में इनकर्ड नहीं किया जाता और इन फ्यूचर में इनकर्ड किया जाता है. इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को हम पीएनएल अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं. कब तक? जब तक ये फुल्ली एग्जॉस्ट ना हो जाए, मतलब जब तक इसका जो फुल्ली फायदा है वो यहाँ पर खत्म ना हो जाए. तो इसलिए जो इसका आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, फॉर मेक और बाय डिसीजन विच कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड. देखो, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को या तो मैं खुद बना लूं या मैं मार्केट से खरीद लूं. अगर मैं खुद बना रही हूं तो सपोज करो मेरा 120 रुपए कॉस्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं खरीद लेती हूं तो ये मेरा 80 रुपए कॉस्ट लग रहा है. तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाय करना चाहिए. तो ये जो कॉस्ट है, ये हम किस बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है या फिर सिर्फ उसे खरीदना है? ये डिसीजन लिया जाता है उसकी मार्जिनल कॉस्ट पे. जब हम एडिशनल इनपुट डालेंगे तो उससे हमारा एडिशनल कॉस्ट क्या लगेगा, इसके आधार पर हम चेक करते हैं कि हमें डिसीजन कैसा लेना है, खरीदने का डिसीजन लेना है या फिर बनाने का डिसीजन लेना है. तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन. किस चीज की? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जहां पर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बना के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर आप उसकी चेकिंग, उसको डिटेल में चेक करते हो, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हो, ये आप करते हो कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे. कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे किस कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपने किसी चीज को एलोकेट किया है, उसका सेंटर बनाकर आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं. तो इसका जो आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन. देखो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, अगर हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है तो उसके तीनों मेथड होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड और रिटर्न ऑन सेल्स मेथड. देखो, ये आपका परफॉर्मेंस मेजर्स डिविजन करना, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए तीन मेथड है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन आता है आपका आरआई, ठीक है, रेसिडुअल इनकम, और ईवीए, रिटर्न ऑन सेल्स, आरओआई, रिटर्न रेसिडुअल इनकम, और आपका इकोनॉमिक वैल्यू एड. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर आता है आपका कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स है कुछ, ये भी आपको पता होने चाहिए. मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर ऐड कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द ट्रांसफर बाय अ कंपनी ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेटअप कंपनी इज कॉल्ड. आप अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी को आपने ट्रांसफर कर दिया
एक या फिर एक से ज्यादा बिजनेस डिवीजन में, तो इसे क्या कहा जाता है? देखो, इसे कहा जाता है डीमर्जर। जब अलग अलग कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है तो उसे कहा जाता है मर्जर। लेकिन जब एक कंपनी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसे कहा जाता है डीमर्जर, है ना। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया था, अब आप वहां से पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं। इक्विटी कर्व आउट का मतलब क्या होता है? इक्विटी कर्व आउट का मतलब होता है जहां पर एक बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा सेल कर देती है, दैट इज इक्विटी कर्व आउट। तो यहाँ पर क्योंकि एक पूरा का पूरे बिजनेस को हम अलग न्यू सेट पे डिवाइड कर रहे हैं एक या उससे ज्यादा पार्ट्स में, तो इसे कहा जाता है आपका डीमर्जर। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 6:5:3। ए को इन्होंने एडमिट किया है 1/n के लिए, पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। देखो, वैसे तो डायरेक्टली इसका आंसर मैं क्वेश्चन में ऐसे आंख बंद करके ही बता सकती हूँ। जब भी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ना बोली गई हो, सिर्फ आपको एक शेयरिंग रेशियो दिया है और आपको नए पार्टनर का रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ना, डायरेक्ट आएगा ऑप्शन बी। फिर भी आप ये सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमेनिंग निकालो पहले, तो 7/8 बहुत लेंथी हो जाएगा, 6/14 इंटू 7/8, देन 5/14 इंटू 7/8, 4/14 इंटू 7/8, 7 2s करेंगे 6/16, 10/16 एंड 7 2s 4/16, ये आ गया इसका न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना था भाई? 6/14 माइनस करोगे 6/16। बस ये करते रह जाओगे और बहुत लंबा आंसर जाएगा और बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें पता है कि जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर बिना देखे आप इसका आंसर बता सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, इफ द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट्स टू बी मेड, द मेथड इज कॉल्ड। देखो, जब परचेज कंसिडरेशन की हम बात करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन बहुत सारे मेथड होते हैं, दैट इज लम सम एक साथ पे करना, नेटवर्थ जहां पर आप जो है नेट एसेट्स और लायबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है, माइनस करके, नेट पेमेंट मेथड जिसमें आप अलग अलग पेमेंट्स को माइनस करते हैं, जैसे कि आपने क्रेडिटर्स को कितना पे किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे किया, ये सब माइनस करते हैं। फिर आता है वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड। तो यहाँ पर ऐसा परचेज कंसिडरेशन जहां पर आप वेरियस पेमेंट्स को ऐड करके सॉल्व करते हैं, दैट इज आपका नेट पेमेंट मेथड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर अदर एसेट बाय द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो ट्रांसफरर कंपनी है वो ट्रांसफरी कंपनी को जो भी पेमेंट कर रही है अपनी कंपनी को देने के बाद में जो परचेज कंसिडरेशन होता है, ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, लमसम, नेट एसेट, नेट पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जो भी इनकम हो रहे हैं, इनका जवाब आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, वो है ना, वो कहते हैं ना, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाने चाहिए। तो इनकम है आपके 1000 रुपए, खर्चा कर रहे हैं 1200 रुपए, ये क्या बात हुई? तो इनकम और एक्सपेंसेस का हमें ऐसा मैचिंग बना के रखनी है कि हम उतने ही एक्सपेंसेस करें जितनी हमारे पास इनकम है, और इन सब का जब अकाउंट देते हैं, मतलब जवाबदारी देते हैं, तो उसे कहा जाता है मैचिंग कंसेप्ट। सो इंश्योरिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर अकाउंटेड फॉर, दैट इज आपका मैचिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पे बोला इनकम एक्सपेंसेस को मैच कर दो, सिर्फ मैच करना काफी नहीं है, उनके लिए आपके पास हर ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। सिर्फ रियलाइज इनकम को लेना, नो। इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज मैचिंग कंसेप्ट, नो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, इक्विटी इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी मीन्स। देखो, इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के पास खुद की कितनी नेटवर्थ है ना। इक्विटी का मतलब होता है कंपनी खुद की कितनी वर्थ है, क्या क्या उसके पास अलग अलग सोर्सेस से पैसा है, कहां कहां से उसने अपनी कैपिटल को रेज किया है, दैट इज योर इक्विटी किसी भी लिमिटेड कंपनी का।
तो इक्विटी का मतलब हुआ कंपनी का नेटवर्क. ओके, देन इफ अ बिजनेस कंसर्न वांट्स टू कंपेयर इट्स सेल्स ऑफ एनी टू ईयर, कोई भी बिजनेस कंसर्न अगर दो साल की अपनी सेल्स को कंपेयर करना चाहता है तो कैसे कंपेयर करेगा भाई, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करके. ठीक है, प्रॉफिट को नहीं, सॉरी, अपने प्राइस को एडजस्ट करके, है ना. प्राइस में आप चेंज करेंगे उसी से आपका प्रॉफिट में चेंज आएगा और देन उसके उससे ऑटोमेटिकली आपके सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर कोई बिजनेस कंसर्न अपने दो इयर्स की सेल्स को क्या करना चाहता है, कंपेयर करना चाहता है, तो उसके प्राइस चेंज को एडजस्ट करेगा. क्या करेगा? एडजस्ट फॉर प्राइस चेंज. नेक्स्ट, विच आर द टू अकाउंटिंग बुक्स बाय मेंटेनिंग देम ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी बिजनेस कंसर्न. दो अकाउंटिंग बुक कौन कौन सी है जो हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, कोई भी बिजनेस कंसर्न, कोई भी बिजनेस हो, ये इन दो तरीके की बुक्स को, बुक्स में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर या सेल्स रजिस्टर, जर्नल एंड लेजर, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक. तो बच्चों इसमें आता है आपका जर्नल एंड लेजर. ये हर एक पर्सन मेंटेन करता है और इसमें अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है. अब ऐसा नहीं है कि बाकी के उसमें रिकॉर्ड नहीं करता, बाकी के उसमें भी रिकॉर्ड करता है, बट ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्टिंग है कि भाई जर्नल में सबसे पहले एंट्री होगी, देन उसके आपको लेजर्स बनाने होंगे. तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है आपने टारगेट सेट कर दिया कि भाई इतना ही कॉस्ट आनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप बजटरी कंट्रोल करते हैं, जॉब कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं. तो सारी चीजें यहाँ पर सही है. मानक लागत लागू किया जा सकता है यदि बजटीय नियंत्रण है, यदि जॉब कॉस्टिंग की लागत का उपयोग किया जाता है, यदि प्रक्रिया लागत का उपयोग किया जाता है. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है 10,000 यूनिट और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है. क्या रिक्वायरमेंट है? कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए 3 kg, पावर चाहिए 5 यूनिट और लेबर चाहिए 10 hours. अवेलेबिलिटी कितनी है? रॉ मटेरियल है 27,000, पावर है 6,000 और लेबर है हमारे पास 6,000, सॉरी पावर है 60,000. सबसे पहले अगर मैं रॉ मटेरियल देखूं तो रॉ मटेरियल कितना आएगा? 27,000/3 यानी कि 9,000 रॉ मटेरियल. फिर पावर की बात करूं, पावर कितनी लगेगी? 60,000/5 यानी कि 12,000. फिर मैं बात करूं अगर लेबर की, तो लेबर कितनी लगेगी? 6,000/10 यानी कि 600. अब मुझे बनानी है 10,000 यूनिट्स, लेकिन लेबर सिर्फ 600 है, तो मुझे इन चीजों को भी कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ेगा. तो हम इससे सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट्स तक ही प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स भी उतना ही है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है यहाँ पर, प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा. 25 क्वेश्चन, इफ अ बिजनेस कंसर्न मेंटेन्स बैंक बुक, इट कैन नॉट हैव अकाउंट ऑफ एनी बैंक इन लेजर. अगर कोई बिजनेस कंसर्न बैंक बुक मेंटेन करता है तो क्या उसका अकाउंट किसी, इफ इट कैन नॉट हैव अकाउंट ऑफ एनी बैंक इन लेजर, तो क्या लेजर में वो किसी भी बैंक की एंट्री नहीं करेगा? नो, इफ हैव इट मे हैव सम बैंक अकाउंट ऑफ इट्स चॉइस इन लेजर, वो लेजर में अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की एंट्रीज करवा सकता है. ये क्या बात हुई? इट विल हैव ऑल बैंक अकाउंट्स इन लेजर, सारे बैंक अकाउंट्स को का लेजर बनेगा. It will have accounts of all banks in ledger except bank whose accounts are not brought in the bank book. सिर्फ उसी की एंट्रीज होगी जिनके थ्रू आप एंट्रीज कर रहे हैं, जिनकी आप एंट्रीज नहीं कर रहे हैं उनका, मतलब जिनका आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं उनकी एंट्रीज क्यों करेंगे, वो जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे सारी वो ट्रांजेक्शन आएंगी लेकिन वो नहीं आएंगी जिनकी एक्चुअल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है. तो जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. And the last question for today's session is question 26, which of the following is not true about capital expenditure. So capital expenditure के बारे में क्या बात सही नहीं है? क्या capital expenditure future को benefit करता है? Yes. क्या हम ये खर्चा fixed asset पे करते हैं? बिल्कुल. क्या हम इस खर्चे को हमारी economic life को बढ़ाने के लिए करते हैं? बिल्कुल.
क्या ये खर्चा हमारे प्रॉफिट को कम करता है? नो, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है एंड ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और हमने आज के सेशन में हमारे एमपी सेट के 26 क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके अकाउंटिंग का भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, पीवाईक्यूज कंप्लीट होते हैं। प्रीवियस यूनिट्स को भी हमने कवर किया है तो आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप अपने मनपसंद कोर्स को परचेज कीजिए, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल सके। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम कई नई यूनिट्स को सॉल्व करेंगे और उन यूनिट्स के भी हम पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एक नए लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अच्छे से रिविजन कीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Bye-bye.